एक बच्ची ने एक मैसेज किया मुझे कि सर मुझे मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, लेकिन सर वो मुझसे हर बार ऐसी बातें क्यों करती है जिनसे मुझे हर्ट फील होता है। मैं जब भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करती हूं वो मेरे साथ ऐसी बातें करने लग जाती है कि मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता है और मैं बहुत बेहतर नहीं कर पाती हूं। ये किसी एक बच्ची की कहानी नहीं है, आप में से बहुत सारे बच्चों की कहानी हो सकती है। एक सुंदर सी लाइन से आज इस थीम को समझिएगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन पांच लोगों का औसत होते हैं जिन पांच लोगों के साथ आप अपना अधिकतम समय बिताते हैं। यदि वो पांच लोग गरीब सोच के हैं तो आप चटे गरीब आप होंगे। यदि वो पांच लोग इनोवेटिव हैं तो चटे इनोवेटिव आप होंगे। यदि वो पांच लोग प्रचंड योग्यता प्रचंड ऊर्जा में विश्वास करते हैं तो चटे इंसान तुम होगे। यदि वो पांच लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो चटे एक्टिव तुम रहोगे। यदि वो पांच लोग बहुत पॉजिटिविटी से भरपूर हैं तो चटे पॉजिटिविटी वाले आप होंगे। यदि वो पांच व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजनेस में अव्वल हैं या करोड़पति वाला फील रखते हैं तो चटे व्यक्ति आप होंगे, याद रखना। यानी आप जिनके साथ रहते हैं आप वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। एक टहनी एक दिन पतवार बन जाती है, एक टहनी एक दिन पतवार बन जाती है, एक चिंगारी ढक कर अंगार बन जाती है, जो सदा बेबस समझकर रौंदी गई, जो सदा बेबस समझकर रौंदी गई, वही मिट्टी एक दिन मीनार बन जाती है। याद रखना, एक कब पॉसिबल होता है, जब आपकी संगति बहुत गजब की। यदि आपकी संगति गलत है तो तुम चाहे कितने ही सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर वो इंसान अपना प्रभाव डालना शुरू कर देगा। ये जो आप पीछे थीम देख रहे हैं इसमें एक नग है, जिसको नग बोल दें, वनस्पति बोल दें, ठीक है, ये बहुत सही था, लेकिन इसके पास में जो फल है वो दूषित होना शुरू हो गया, वो नकारात्मक होना शुरू हो गया। तो ये पहले खुद जलता है पूरा का पूरा, और धीरे धीरे जो एक अच्छा था, याद रखना, उसको भी इसने क्या करना शुरू कर दिया, खराब करना शुरू कर दिया। ये जीवन है, याद रखना, सबसे बड़ी सच्चाई है हमारे जीवन की। पलाश का जो फूल होता ना, उसमें सुगंध नहीं होती है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वही पलाश का फूल जब पान के साथ मिलता है तो वो राजा और महाराजाओं के मुंह में पहुंच जाता है। हम सब ने सुना है कि केकई में कुछ अच्छाइयां भी थी, लेकिन केकई की सब अच्छाइयां मर गई जब मंथरा जैसे सहयोगी उसको मिल गई। याद रखना, हमारे जीवन में, आपके जीवन में मंथरा है या श्री कृष्ण जैसा सारथी है, यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। आपका दोस्त वो अच्छा नहीं है जो आपको गलत बातें बोलता है, जो आपको डीमोटिवेट करता है। इसलिए हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहिए। यदि तुम्हें अपना बेहतरीन संस्करण बनना है, तुम्हें अपना उत्कृष्ट संस्करण बनना है, तो हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, जो हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। याद रखना, ये काम तुमने कर लिया ना, तो तुम्हारे जीवन के आधे लक्ष्य तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे उस इन्वायरमेंट की वजह से। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें इस फ्रूट की तरह बनना है जो था तो अच्छा लेकिन धीरे धीरे संगति की वजह से खराब बन गया, या तुम्हें उस फल की तरह बनना है जो हमेशा अपने से श्रेष्ठ फलों के बीच में जाके रुकेगा, चाहे शुरुआत में बड़ी तकलीफ हो, लेकिन एक दिन याद रखना वो जो श्रेष्ठ हैं उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ वो बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वायरमेंट, अपना इन्वायरमेंट, अपनी संगति, हमेशा बेहतरीन लोगों के साथ रहिए। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, हर चीज बदल जाएगी।